दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बता दें आपको महेंद्र सिंह धोनी के उस वाकये के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और बटलर में कौन बढ़िया सिक्सर किंग है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 14वें सीजन का 12वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम को पहला झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लगा, जो कि 13 गेंदों में 10 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। दूसरी सफलता राजस्थान को फाफ डुप्लेसिस के रूप में मिली, जो कि 17 गेंदों में 33 रन बनाकर क्रिस मॉरिस के हाथों रियान पराग को अपना कैच दे बैठे। तीसरा विकेट सीएसके का मोइन अली के रूप में गिरा, जो कि 20 गेंदों में 26 रन बनाकर राहुल तेवतिया का शिकार बने। चेन्नई को चौथा झटका अंबाती रायडू के रूप में लगा, जो कि 17 गेंदों में 27 रन बनाकर चेतन सिकारिया की गेंद पर रियान पराग के हाथों कैच आउट हुए। पांचवी सफलता राजस्थान रॉयल्स को सुरेश रैना के रूप में मिली, जो कि 15 गेंदों में 18 रन बनाकर सिकारिया की गेंद पर मॉरिस के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने आते ही मैदान में हर एक खिलाड़ी धोनी को देख रहा था, क्योंकि धोनी काफी लंबे समय के बाद बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले मैच में धोनी बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन धोनी कोई रन नहीं बना सके थे और इस मैच में सभी की निगाहें धोनी पर ही थी। लेकिन धोनी के क्रीज पर आते ही एक ऐसा वाकया हो गया जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यानी कि पारी के 15वें ओवर में धोनी अभी अभी क्रीज पर आए ही थे, इस बीच राहुल तेवतिया गेंदबाजी कर रहे थे और उनके ओवर की दूसरी गेंद जिस पर धोनी ने कवर की तरफ गेंद को धकेल दिया और इस पर धोनी रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रविंद्र जडेजा को लगा कि ये रन नहीं हो पाएगा और उन्होंने धोनी से वापस जाने को कहा। लेकिन धोनी आधी क्रीज पर आ चुके थे, ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के लिए वापस जाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन धोनी ने वापसी करते हुए डाइव लगा दी और धोनी की ये डाइव देखकर तो मैदान में हर खिलाड़ी पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि धोनी इस डाइव की बदौलत क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। हालांकि ये फैसला थर्ड एम्पायर के पास चला गया था और उन्होंने रिप्ले में देखा तो धोनी ठीक समय पर क्रीज पर पहुंच चुके थे और धोनी नॉट आउट करार दिए गए। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस की, कि इतनी उम्र के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी आज भी वही जज्बा दिखा रहे हैं जो कभी भारतीय टीम के लिए वो दिखाया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी की इस ड्राइव को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने दो शानदार चौके भी लगाए, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ी पारी में बदल नहीं सके और 18 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों आप महेंद्र सिंह धोनी की इस शानदार ड्राइव को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।